रुक करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज का। कैथल से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जेजेबी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अजय चौटाला और सरदार निशान कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 3 बजे हिंदू कन्या विद्यालय में ये प्रेस वार्ता होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको कैथल से दे रहे हैं। 3 बजे हिंदू कन्या विद्यालय में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। जेजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता जयपाल रसूलदार जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, क्या जानकारी है जेजेपी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार हलचल चल रही है सियासी खेमे में, आज ये प्रेस वार्ता होगी, क्या मुद्दे रखे जाएंगे और किस पर निशाना साधा जाएगा? जयपाल जी, देखिए, जैसे हरियाणा की अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों से जो है चुनावी चर्चा को लेकर कई विषय जो चल रहे हैं, जिसमें गठबंधन का एक अहम विषय है। इसी में जो है दोनों पार्टियों के नेताओं की भी जो है कई बयानबाजी सामने आ चुकी है, जिन्होंने क्लियर किया है कि जो 2024 में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा वो अपनी पूरी 90 की 90 सीटें जो हरियाणा की है उनको लेकर जो है तैयारियों पर लगे हुए हैं। परंतु गठबंधन की अगर बात की जाए तो गठबंधन में कहीं ना कहीं रार का जो माहौल इस समय चल रहा है, दोनों पार्टियों के बीच जो बयानबाजी आई हुई है उसको लेकर जो जेजेपी है वो अब भाजपा की तरह से जो है फील्ड में उतरती हुई दिख रही है। जिस बीच बता दें कि आज जो है कैथल में जो है जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह जो कैथल में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी बता दें कि वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे और जो है फीडबैक कार्यकर्ताओं से लगातार जो लिया जा रहा है। इससे पहले बता दें कि दुष्यंत चौटाला पिछले हफ्ते कैथल में आए थे, इसलिए कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है कि जो आगामी रणनीति है, क्योंकि अगर कैसी भी सिचुएशन हो, कल को गठबंधन टूट जाता है तो इस आधार पर किस तरह की उनकी चुनावी जो रणनीति रहेगी, इस तरह से क्या कुछ आधार रहेगा उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसी को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बिल्कुल जयपाल, और क्योंकि जब बीते दिनों की बात करें तो कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिलता दिखा, क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत इस प्रेस वार्ता में होगी? देखिए, गठबंधन की बात हम कर रहे हैं, दोनों पार्टियां गठबंधन में सरकार इस समय चल रही है। निर्दलीय की अगर बात की जाए तो निर्दलीय का एक अपना अलग महत्व है, उनका जेजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो विप्लव देव जो प्रभारी हैं भाजपा की तरफ से हरियाणा के, उनसे कहीं ना कहीं जो जब से निर्दलीय मिले हैं विधायक तब से सरगर्मियां जो है तेज हो गई है। गठबंधन टूटने की जो बात चल रही है, हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने क्लियर किया कि गठबंधन अभी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, परंतु अंदरूनी बात की जाए तो संगठनात्मक तरीके से जो विप्लव देव है वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु मुख्यमंत्री द्वारा जो इस बात को क्लियर किया गया है। और उधर आपने जो बात कही निर्दलीय विधायकों की, तो निर्दलीय विधायक निश्चित तौर पर क्लियर कर चुके हैं क्योंकि पहले भी सरकार के साथ थे। लेकिन अपने खेमे के ही लोगों को किस तरह से अपनी ही पार्टी में रखना है, क्या उसको लेकर भी बातचीत कुछ होगी, इस प्रेस वार्ता की जाएगी कि अपने खेमे के जो लोग हैं उनको किस तरह से और मजबूत किया जाए? जी बिल्कुल, अपने अपने खेमे की जो बात आपने की, जैसे बता दें कि अभी जो है कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसको लेकर वहां के विधायक हैं जो रामकरण काला, उन्होंने जो है उनकी चेयरमैनी से इस्तीफा दे दिया। इन बीचों इन बातों को लेकर जो है कहीं ना कहीं संगठनात्मक तरीके से जो बातचीत की जा रही है, जो उनके वर्कर है उनका क्या फीडबैक है, गठबंधन को लेकर जो उनके नेता है उनके साथ जुड़े रहे, इसलिए समन्वय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगामी माहौल को देखकर जिस तरह से जो उनके जो विधायक भी अब कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से जो नाराज चल रहे हैं, इसलिए उदाहरण भी है कि अभी रामकरण काला ने जो इस्तीफा दिया है किसानों के पक्ष में। हालांकि माहौल की अगर बात की जाए तो अभी कुछ ही महीने का जो समय बाकी रह गया, इसको लेकर जो अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्करों को जोड़ने में जो है जेजेपी इस तरह के जो है कार्यक्रम जो अब शुरू कर दिए जेजेपी। ठीक है जयपाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो 3 बजे हिंदू कन्या विद्यालय में प्रेस वार्ता होने जा रही है। जेजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बड़ी जानकारियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही जाएंगी।